तो दिल्ली में अकाली दल का प्रदर्शन चल रहा है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा प्रदर्शन रकाबगंज गुरुद्वारे से संसद भवन तक ले जाने की योजना थी, लेकिन फिलहाल इसमें ताजा अपडेट ये मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस ने अकाली दल से कहा है कि वो इम्तियाज रोड तक जाएं और वहीं से यू टर्न हो जाएं। फिलहाल अकाली दल के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो ये पहले तैयारी संसद भवन तक जाने की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्योंकि इसकी इजाजत नहीं दी थी, फिर उसके बाद एक नया रास्ता सुझाया है कि इम्तियाज रोड तक जाएं और फिर वहां से यू टर्न ले लें। दिल्ली पुलिस ने अकाली दल को इस नए रूट पर जरूर इजाजत दी है, लेकिन संसद भवन की मंजूरी नहीं मिली है। तैयारी प्रशासन की पूरी है। तो दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे से आगे बढ़े हैं अकाली दल के कार्यकर्ता, तस्वीरें आपके सामने हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज काला दिवस मना रहा है अकाली दल। एक साल पूरा हो चुका है तीनों कृषि कानूनों को पास हुए और शुरुआत से ही इसका विरोध कर रहा है अकाली दल। आज इसे काले दिवस के तौर पर मनाने की पूरी तैयारी, तस्वीरें आपके सामने। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मनोज जुड़े हुए हैं, मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ सीधे। मनोज, मतलब एक नया रूट बताया गया है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आप इम्तियाज रोड जाइए, वहां से यू टर्न ले लीजिए, मतलब अब संसद भवन नहीं जा रहे हैं अकाली दल के कार्यकर्ता? बिल्कुल, देखिए अब संसद भवन नहीं जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनसे, अकाली दल के जो नेता हैं उनकी बातचीत हुई है। इस वक्त मैं रकाबगंज रोड पर ही खड़ा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा अब बैरिकेटिंग यहाँ पर इस रूट पर कर दी गई है, क्योंकि यही रूट तय हुआ है जाने के लिए और यहीं से उनको यू टर्न करने के लिए कह दिया गया है। यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ पुलिस के जवान तो तैनात हैं ही। पहली बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है, लेकिन इसके बावजूद अगर जो ये कार्यकर्ता हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पुख्ता इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। वाटर कैनन यहाँ पर मौजूद है, वज्र वाहन यहाँ पर मौजूद है और एक लेयर की बैरिकेटिंग इसके पीछे भी यहाँ पर की गई है। ये आगे जो रोड है वो इम्तियाज खान रोड है, यहीं पर रोड खत्म हो जाता है। तो जो बातचीत हुई है अकाली दल के नेताओं से दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की, वो यही बातचीत हुई है कि आप संसद भवन तक नहीं जा सकते हैं क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं है। तो जो बीच का रास्ता निकला है वो ये कि वो यहाँ इस बैरिकेटिंग तक आएँ, अपना प्रदर्शन करें और वापस से गुरुद्वारे की तरफ चले जाएँ। दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। वहाँ से जो प्रदर्शनकारी हैं वो निकल चुके हैं और थोड़ी ही देर में, मतलब कुछ मिनटों में, वो यहाँ तक पहुँचने वाले हैं। ठीक है, अजातिका भी मेरे साथ हैं। अजातिका, अब यहाँ से निकल चुके हैं, हालांकि रास्ता नया सुझाया है, क्या कुछ आपके आसपास तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष आपको यहाँ पर ट्रक पर सवार दिखाई देंगे, साथ ही साथ हरमिंदर कौर भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी और सभी लोग अब बैरिकेड तक पहुंच गए हैं। बैरिकेड क्रॉस करके आगे बढ़ने की यहां पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी। इससे कुछ देर पहले यहां पर जो मार्च निकाला गया रकाबगंज के अंदर से, जब शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष निकल रहे थे, उसी के साथ में कार्यकर्ताओं के हाथ में हमें प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दिखा, जिस पुतले पर जूतों की माला भी दिखाई दी। तो ऐसी तस्वीरें भी हमें, ठीक है जातिका, मैं आती हूँ आपके पास, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें दर्शकों को एक बार हम फिर से दिखा देते हैं, ये तस्वीरें, क्योंकि रकाबगंज गुरुद्वारे पर सभी यहाँ पर मौजूद थे अकाली दल के कार्यकर्ता। सुखबीर बादल भी आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। संसद भवन तक जाने की तैयारी, लेकिन इजाजत ना मिलने के बाद एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश है दिल्ली पुलिस की तरफ से और वो रास्ता सुझाया गया है कि इम्तियाज रोड तक आप जाइए, उस बैरिकेटिंग से आप यू टर्न ले लीजिए, उसके आगे जाने की इजाजत आपको नहीं है। हालांकि अभी ये दल बाहर निकल चुका है, बड़ी संख्या में हाथों में झंडे बैनर पोस्टर लिए ये कार्यकर्ता अकाली दल के, जो कि इस कानून का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। ABP News आपको रखे आगे।